Hello kids, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start chapter number 9, It's Raining. So start karte hain question number 1. Choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter in the box provided against each question. So first question is, who was Appu? Appu kaun tha? To options hai, A, an elephant, B, an elephant's friend, C, a monkey, D, a fox. So answer is A, an elephant. Appu jo tha wo ek elephant tha. Number 2, how did Appu water the banana trees? Appu ne banana trees pe pani kaise dala? So options are A, with a bucket, bucket se dala, B, with its mouth, apne mouth se dala, C, with its trunk, apni trunk se dala, D, by opening a tap, या फिर एक टैप को ओपन करके उसने पानी डाला. सो आंसर इज सी, विद इट्स ट्रंक. अपू ने बनाना ट्रीज पे पानी कैसे डाला? अपनी ट्रंक से डाला, अपनी सून से डाला. नेक्स्ट नंबर 3, विथ वॉट डज अपू स्प्रिंकल वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ. अपू ने अपने ऊपर पानी कैसे डाला नहाने के लिए? सो ऑप्शन आर ए, विद इट्स माउथ, B, with its trunk, C, with its ears, D, with its teeth. So answer is B, with its trunk. Appu ne apni soon se apne upar pani sprinkle kiya nahane ke liye, to take a bath. Now number 4, how do you give water to the pets, cow, buffalo, ox, goat, etc. in your house? Aap apne pets ko pani kaise dete ho? ठीक है, जो काउस, बफेलो, ऑक्स और गोट्स होती हैं उनको आप पानी कैसे पिलाते हो? सो ऑप्शंस आर ए, बाय टेकिंग देम टू द रिवर, बी, बाय टेकिंग देम टू द वेल, सी, इन अ बकेट एट होम, डी, बाय टेकिंग देम टू द सी. सो आंसर इज सी, इन अ बकेट एट होम. ठीक है, हम ये जो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको पानी कैसे पिलाते हैं? एक बकेट के अंदर पिलाते हैं. नेक्स्ट नंबर 5, इन विच सीजन Do people use umbrellas and raincoats? हम कौन से सीजन में umbrellas और raincoats use करते हैं? So options are A, in winter, B, in monsoon, C, in spring, D, in summer. Answer is B, in monsoon. ठीक है, हम monsoon में umbrellas और raincoats use करते हैं. Next, number 6, in which season does it rain? कौन से सीजन में बारिश होती है? सो ऑप्शंस आर ए, इन समर, बी, इन विंटर, सी, इन स्प्रिंग, डी, इन मॉनसून. सो आंसर इज डी, इन मॉनसून. मॉनसून सीजन में है बारिश होती है. नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट डू चिल्ड्रन मेक फ्रॉम पेपर टू प्ले इन रेन वाटर? ठीक है, बच्चे बारिश के पानी में खेलने के लिए पेपर से क्या बनाते हैं? सो ऑप्शंस आर ए, टॉयज, B, cars, C, boats, D, designs. So answer is C, boats. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? पेपर से बोट बनाते हैं और बारिश के पानी में उसको तैरने के लिए छोड़ देते हैं. नेक्स्ट नंबर 8, फ्रॉम वॉट आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? ठीक है, क्लाउड्स किससे बनते हैं? सो ऑप्शंस आर ए, फ्रॉम वाइट कॉटन, बी, फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, सी, फ्रॉम स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, D, from smoke of rockets. So answer is B, from vapor that collects in the sky. ठीक है, जो भी water vapor collect होता है sky के अंदर, उससे क्या form होते हैं? Clouds form होते हैं. Now question number 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. Number 1, an elephant drinks water with its trunk. जो elephant होता है वो कैसे पानी पीता है? अपनी trunk से पानी पीता है. नेक्स्ट नंबर 2, रिवर्स गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द डैश सीजन. आंसर इज रेनी. ठीक है, जो रिवर्स होती हैं वो कौन से सीजन में फ्लडेड, यानी कि पानी से भर जाती हैं? तो आंसर इज रेनी सीजन. नेक्स्ट नंबर 3, द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज द डैश. ठीक है, रेनी सीजन को और भी हम क्या बोलते हैं? ठीक है, रेनी सीजन का दूसरा नाम क्या है? मॉनसून. नेक्स्ट नंबर 4, वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई टू फॉर्म डैश. ठीक है, जो भी वाटर वेपर होता है वो स्काई में जाके कलेक्ट हो जाता है और क्या बनते हैं? क्लाउड्स. ठीक है, सो आंसर इज क्लाउड्स.
Next, number 5, the earth is covered with dash all around due to rains. ठीक है, अर्थ पे आंसर इज ग्रीनरी. सो अर्थ पे जो भी ग्रीनरी है, ठीक है, यानी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? रेन की वजह से होते हैं. ठीक है, बारिश गिरती है और पेड़ों को हरा भरा कर देती है. नेक्स्ट नंबर 6, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विद इन देम. व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ वी कॉल इट डैश. आंसर इज रेन. ठीक है, जब क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, जब क्लाउड्स ठंडे होते हैं तो जो वेपर होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स पर कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स का वजन सह नहीं पाते हैं, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अर्थ पे गिरते हैं, ठीक है, ज़मीन पे गिरते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 7, पीपल यूज डैश टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रेन. ठीक है, बारिश से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट नंबर 8, ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ डैश इज हर्ट. ठीक है, रेनी सीजन में क्या होता है? पहले हम लाइटनिंग यानी बिजली देखते हैं एंड देन थंडर की आवाज़ आती है. ठीक है, बिजली कड़कने की आवाज़ आती है. ठीक है, बादल भी गरजते हैं. सो आंसर इज थंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. सो नंबर 1, वेट क्लोथ्स डो नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीजन. जो गीले कपड़े होते हैं वो रेनी सीजन में जल्दी नहीं सूखते. स्टेटमेंट इज करेक्ट. नंबर 2, वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन. विंटर सीजन में हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है आसमान में. सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. वो तो हमें रेनी सीजन में दिखाई देती है. देन नंबर 3, क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी देन कम डाउन ऑन अर्थ एज रेन. ठीक है, क्लाउड्स क्या करते हैं? वो सी में से पानी लेते हैं एंड देन अर्थ पे रेन होती है. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. क्योंकि सी में से वाटर वेपर बन के, ठीक है, स्काई में कलेक्ट होता है, देन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड देन बारिश होती है. ओके, सो नंबर 4, इफ़ इट इज़ हॉटर इन समर देर इज़ नो मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून. आंसर इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज ट्रू. जैसे कि समर में अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो मॉनसून में ज़्यादा बारिश भी होती है, क्योंकि ज़्यादा वेपर कलेक्ट होता है स्काई में एंड देन ज़्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट नंबर 5, वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स. द आंसर इज ट्रू. ठीक है, हम क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे शेप्स देख सकते हैं. ठीक है, कभी कभी हमें टेडी बेयर जैसा शेप दिखता है. ठीक है, हमें काफ़ी तरीके के शेप्स दिखाई देते हैं. नेक्स्ट नंबर 6, अपू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल. ठीक है, अपू ने क्या किया? जंगल के सारे प्लांट्स को पानी दिया. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट नंबर 7, If it rains heavily, rivers, streams and lakes overflow. ठीक है, अगर बहुत ज़ोर से बारिश गिरती है तो जो रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स होते हैं, ठीक है, वो ओवरफ्लो होने लगते हैं. सो आंसर इज ट्रू. नंबर 8, when it rains very heavily and continuously, it is known as flood. ठीक है, अगर बहुत ज़ोर से बारिश होती है और कंटिन्यूस बारिश होती रहती है काफ़ी दिनों तक, उससे क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है. ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. नंबर 1, रेनी सीजन. आंसर इज ई, इट रेन्स. रेनी सीजन में क्या होती है? बारिश होती है. नंबर 2, टू बी सेफ फ्रॉम रेन. आंसर इज डी, रेनकोट. ठीक है, बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? रेनकोट. नंबर 3, समर. आंसर इज एफ, इट इज़ हॉट. ठीक है, समर में क्या होता है? मौसम जो होता है ज़्यादा हॉट रहता है. ठीक है, जो वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है, हॉट रहता है. नंबर 4, लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई. आंसर इज बी, देन थंडर इज हर्ट. ठीक है, पहले बिजली चमकती है देन बादल गरजते हैं. नंबर 5, रेनबो. आंसर इज ए, 7 कलर. ठीक है, रेनबो कैसा होता है? 7 कलर्स का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट विल हैपन इफ़ द बनाना ट्री डू नॉट गेट वाटर. ठीक है, अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आंसर,
इफ़ द बनाना ट्रीज़ डू नॉट गेट वाटर इट विल ड्राई अप, ठीक है, अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे. नंबर टू, वेयर डू द प्लांट्स विच ग्रो अराउंड योर हाउस गेट वाटर, ठीक है, आपके घर के आसपास जो प्लांट्स उगे हुए होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? आंसर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन, वी ऑल्सो वाटर देम, ठीक है, ज़्यादातर पेड़ों को पानी बारिश से मिलता है और हम भी उनको पानी देते हैं. नंबर थ्री, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, क्या आपने कभी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है? आंसर, येस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेक्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, मैंने देखा है एनिमल्स को पानी पीते हुए कहाँ पे, लेक्स में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में. नेक्स्ट, नंबर फोर, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आर कंट्री, विच आर दे, हमारी कंट्री में कितने सीजन्स हैं और कौन से हैं? सो आंसर, देयर आर थ्री मेन सीजन इन आर कंट्री, नंबर वन समर, नंबर टू विंटर एंड नंबर थ्री मानसून, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेनी सीजन. ओके, सो दीज थ्री आर द मेजर सीजन ऑफ आर कंट्री. नेक्स्ट, नंबर फाइव, ड्यू टू वॉट डज वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फॉर्म वेपर, ठीक है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि ओशन, सी, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, तो इनमें से वाटर वेपर कैसे बनता है? आंसर, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फॉर्म वेपर, ठीक है, जो सन की हीट होती है उसकी वजह से वाटर बॉडीज में से वेपर बनता है. नेक्स्ट, नंबर सिक्स, वॉट इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कॉल्ड, ठीक है, जो पानी का गैसियस स्टेट होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, पानी के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो गैसियस स्टेट को क्या कहा जाता है? द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर, क्या बोलते हैं उसको? वाटर वेपर बोलते हैं. नेक्स्ट, नंबर सेवन, ड्यू टू वॉट डज वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई, ठीक है, वाटर वेपर जो होता है वो आसमान में क्यों चला जाता है? आंसर, बींग वेरी लाइट वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हल्का फुल्का होता है इसलिए वो आसमान में ऊपर चला जाता है. नेक्स्ट, नंबर एट, वॉट हैपन्स टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, ठीक है, आसमान में जो वाटर वेपर कलेक्ट होता है फिर उसके बाद उसका क्या होता है? आंसर, वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, जो भी वाटर वेपर स्काई में कलेक्ट होता है उससे क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं. नेक्स्ट, नंबर नाइन, वॉट हैपन्स वेन क्लाउड्स कूल डाउन, ठीक है, जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं तब क्या होता है? आंसर, वेन क्लाउड्स कूल डाउन इट रेन्स, ठीक है, जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होती है. नेक्स्ट, नंबर टेन, वॉट इज हेल? आंसर, ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई वाइल फॉलिंग एंड कम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आइस, इट इज़ नोन एज हेल, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो जब बारिश से आसमान से जो पानी गिरता है, ठीक है, जो बारिश होती है वो क्या होता है? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, तो जो बर्फ़ गिरती है उसे कहा जाता है हेल. नेक्स्ट, नंबर 11, वॉट विल हैपन टू अस इफ वी डू नॉट गेट वाटर, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा? आंसर, वी कैनॉट सर्वाइव इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर, ठीक है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो. नेक्स्ट, नंबर 12, वॉट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन फार्मिंग इफ देयर इज़ नो रेन, ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो फार्मिंग के ऊपर कैसे दिखाई देगा? आंसर, इफ़ देयर इज़ नो रेन फार्म प्रोड्यूसेस लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कैनॉट बी कल्टिवेटेड, ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें नहीं उगा पाएंगे. नेक्स्ट, 13, हु नीड्स वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ पे पानी किसको चाहिए? आंसर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स नीड वाटर ऑन अर्थ, ठीक है, इन सभी लोगों को अर्थ पे पानी चाहिए. नेक्स्ट, 14, वेयर डज वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ फ्लो अवे, ठीक है, अर्थ पे जो पानी गिरता है, जो बारिश का पानी गिरता है वो कहाँ चला जाता है? आंसर, वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे इनटू अंडरग्राउंड गटर्स, लेक्स एंड रिवर्स, रिवर वाटर फाइनली फ्लोज इनटू द सी, ठीक है, जो भी बारिश होती है, ठीक है, जो भी पानी गिरता है, ठीक है, वो कहाँ फ्लो होकर चला जाता है? अंडरग्राउंड गटर्स में,
लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है। और रिवर का फाइनल, रिवर जो वाटर होता है, रिवर वाटर, वो फाइनली कहाँ जाके कहाँ जाके मिल जाता है, सीज, ओशन वगैरह में मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर 15, व्हाई डू प्लांट्स इन अ गार्डन ड्राई अप, ठीक है। गार्डन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं। सो आंसर, इफ़ इट डज नॉट रेन एंड इफ प्लांट्स इन द गार्डन डू नॉट गेट वाटर, दे ड्राई अप, ठीक है। अगर बारिश नहीं होती है और गार्डन में प्लांट्स को पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट 16, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है। आंसर, व्हेन इट रेन्स हेवीली एंड कंटिन्यूअसली इट इज़ नोन एज फ्लड, ठीक है। जब बहुत ज़ोर से बारिश गिरती है और कंटिन्यूअसली काफ़ी दिनों के लिए गिरती है तो क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट 17, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का मीनिंग क्या है। व्हेन इट डज नॉट रेन और रेन्स वेरी स्कैंटिली ड्यूरिंग मानसून, इट इज़ नोन एज ड्रॉट, ठीक है। बारिश के दिनों में जब बारिश नहीं गिरती है या बहुत ही कम बारिश गिरती है तो क्या आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है। सो हियर वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।